हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। टेस्ट एनजी ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम टेस्ट एनजी ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। टेस्ट एनजी ग्रुप्स क्या होता है, किस तरीके से हम टेस्ट एनजी ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, कैसे टेस्ट एनजी ग्रुप्स को हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम सेम ग्रुप के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम टेस्ट एनजी ग्रुप्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 5 में हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट केसेस, किस तरीके से हम टेस्ट केसेस को ग्रुप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट कैटेगरीज हैं। सैनिटी टेस्ट कैटेगरी हो गया एक, फंक्शनल टेस्टिंग के कुछ टेस्ट केसेस हो सकते हैं तो उसका एक ग्रुप हो सकता है, रिग्रेशन टेस्टिंग के कुछ टेस्ट केसेस हो सकते हैं तो उसका एक ग्रुप हो सकता है। जैसे कि जब हमें सैनिटी टेस्टिंग करनी है किसी एप्लीकेशन की, तो हम सिर्फ सैनिटी टेस्टिंग वाले टेस्ट केसेस को ही एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जितने भी सैनिटी टेस्टिंग के टेस्ट केसेस होंगे उनको हम एक टेस्ट ग्रुप में डाल देंगे। ठीक वैसे ही जो भी फंक्शनल टेस्टिंग के टेस्ट केसेस होंगे उनका हम एक टेस्ट ग्रुप क्रिएट कर देंगे, वैसे ही रिग्रेशन टेस्टिंग के कुछ टेस्ट केसेस होंगे उनका हम एक टेस्ट ग्रुप क्रिएट कर देंगे, जिससे कि हमें सारे के सारे टेस्ट केस हर बार एग्जीक्यूट ना करें। अगर हमें एप्लीकेशन के सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग करनी है तो सिर्फ हम फंक्शनल टेस्ट ग्रुप वाले टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं टेस्ट केसेस को, बेस्ड ऑन द टेस्ट कैटेगरी। अब टेस्ट कैटेगरी से मेरा मतलब है सैनिटी टेस्टिंग के लिए कुछ टेस्ट केसेस हो गए, फंक्शन टेस्टिंग के टेस्ट केसेस हो गए, रिग्रेशन टेस्टिंग के टेस्ट केसेस हो गए, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन किया हुआ है और ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था, सॉरी फर्स्ट सेशन में क्रिएट किया था, इस सीरीज के फर्स्ट सेशन में, टेस्ट एनजी डेमो के नाम से। ये एक मेबन प्रोजेक्ट है, आप लोग इस सीरीज का फर्स्ट सेशन देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा किस तरीके से एक्लिप्स आईडी में मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे डिपेंडेंसीज ऐड करनी है टेस्ट एनजी की com.xml में, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने सिस्टम कैसे प्रिपेयर करना है टेस्ट एनजी की प्रैक्टिकल के लिए, वो सारा हम लोगों ने सेशन 1 में कर लिया, ठीक है। ये देखिए डिपेंडेंसी हम लोगों ने एक ऐड की थी टेस्ट एनजी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, और हम लोगों ने एक पैकेज क्रिएट किया था सेशन 1 में ही, डेमो पैकेज, और इसी पैकेज में हमारे जितने भी टेस्ट क्लासेस हैं, जितनी भी जावा फाइल्स हैं, उनको हम इस डेमो पैकेज में ही क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। जो भी हम कोड राइट करते हैं प्रैक्टिकल डेमो के लिए, वो सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो नोट्स हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं ये भी मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब का जो लिंक होगा उसी रिपोजिटरी में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिकल डेमो के लिए भी हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जावा कोड राइट करने के लिए। तो इस डेमो पैकेज पे हम राइट क्लिक करेंगे और फिर न्यू क्लास, यहाँ पे दे देंगे क्लास का नाम। अब यहाँ पे हम एक लोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रुप्स को समझने के लिए, यहाँ पे हम एक लोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम तीन क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं, पर्सनल लोन के लिए एक सेपरेट जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे, मोबाइल लोन कार लोन के लिए एक सेपरेट जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे और कार लोन के लिए एक सेपरेट जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे। तीन जावा क्लासेस क्रिएट कर लेंगे तीन टाइप्स के लोन के लिए, पर्सनल लोन, होम लोन एंड कार लोन, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं पर्सनल लोन की, पर्सनल लोन, और हमें इसमें मेन मेथड नहीं चाहिए, इसको हमने फिनिश कर दिया। अब पर्सनल लोन क्लास में हम यहाँ पे तीन टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लेंगे। पर्सनल लोन लेने के लिए जो हमें लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है पर्सनल लोन के लिए, वो है हमारे पास वेब लॉगिन, मोबाइल लॉगिन एंड एपीआई लॉगिन, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स की लॉगिन के लिए हम तीन टेस्ट मेथड्स यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड वेब लॉगिन, पर्सनल लोन, ठीक है। ये हमारा पहला टेस्ट मेथड हो गया। अभी तो ये नॉर्मल जावा मेथड है, जावा मेथड को हम टेस्ट मेथड कैसे क्रिएट कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें इसके ऊपर यहाँ पे @ टेस्ट एनोटेशन यूज करना होगा, करेक्ट। अब तो सबको पता है ना,
नॉर्मल जावा मेथड्स को हम एज अ टेस्ट मेथड कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हमें यहाँ पे बस एट द रेट टेस्ट नोटेशन राइट करना है। ठीक है, ये हमारा पहला टेस्ट मेथड हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और साथ साथ हमें इस टेस्ट का पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा जो हमने कर लिया। अब दूसरा जो लॉगिन ऑप्शन है वो है मोबाइल लॉगिन पर्सनल। ठीक है, इन सारे टेस्ट मेथड के अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। मोबाइल लॉगिन पर्सनल लोन और एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम दे देंगे एपीआई लॉगिन, दे दूंगा एपीआई लॉगिन पर्सनल। ठीक है, अभी जैसे हमने ये पर्सनल लोन की एक क्लास क्रिएट की है और तीन तीन टेस्ट मेथड इसमें क्रिएट किए हैं, ठीक इसी तरीके से हम एक और क्लास क्रिएट कर लेंगे होम लोन के लिए। ठीक है, इसी डेमो पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं होम लोन एंड फिनिश। यहां भी हम मेन मेथड ऐड नहीं कर रहे हैं। और जो तीन टेस्ट मेथड्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं पर्सनल लोन क्लास में, इन तीनों टेस्ट मेथड्स को हम होम लोन के क्लास में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, वेब लॉगिन, होम लोन, इन सबके प्रिंट स्टेटमेंट भी चेंज कर देते हैं। वेब लॉगिन, होम लोन ये भी हो जाएगा, मोबाइल लॉगिन, होम लोन एंड एपीआई लॉगिन, होम लोन, एपीआई लॉगिन, होम लोन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे दो जावा क्लासेस क्रिएट की है, एक हमने पर्सनल लोन डॉट जावा और दूसरा होम लोन डॉट जावा। इस तरीके से एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं कार लोन के लिए, या फिर हम चाहें तो इस डेमो को हम सिर्फ दो क्लासेस से भी समझ सकते हैं, लेकिन एक और कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो पैकेज पर ही एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं कार लोन डॉट जावा। कार अंडरस्कोर लोन, ठीक है, एंड फिनिश। और जो तीन टेस्ट मेथड्स थे यहां भी हम ऐड कर देते हैं, वेब लॉगिन, कार लोन, पर्सनल लोन की जगह कार लोन, यहां भी पर्सनल लोन की जगह कार लोन, कार लोन और एपीआई लॉगिन, पर्सनल लोन की जगह एपीआई लॉगिन, कार लोन, एपीआई लॉगिन, पर्सनल लोन, प्रिंट स्टेटमेंट में भी एपीआई लॉगिन, कार लोन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्रुप क्रिएट करना है। अब चलते हैं पर्सनल लोन डॉट जावा। अब यहाँ पे हमें स्मोक टेस्ट का एक ग्रुप क्रिएट करना है। तो ये जो तीन टेस्ट मेथड है पर्सनल लोन क्लास में, आउट ऑफ दीज थ्री टेस्ट मेथड स्मोक टेस्टिंग के लिए हमें सिर्फ वेब लॉगिन पर्सनल लोन, सिर्फ इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। जब भी हम स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करना है, वो है हमारा वेब लॉगिन पर्सनल। ठीक है, तो इसको हम स्मोक टेस्टिंग के ग्रुप में कैसे डालेंगे, तो उसके लिए ये जो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन हमने यहाँ पे राइट किया है, इसी के आगे यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करके ग्रुप्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे, फिर इक्वल साइन के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इक्वल साइन के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स में जो भी ग्रुप का आपको नाम देना है, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में वेब लॉगिन, पर्सनल लोन, ये जो है ये स्मोक टेस्टिंग टाइप की टेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्मोक टेस्ट राइट कर दिया, SMOK, स्मोक टेस्ट। ठीक है, स्मोक टेस्ट। अब ये जो टेस्ट मेथड है वेब लॉगिन पर्सनल लोन, ये हमारा स्मोक टेस्ट ग्रुप का टेस्ट मेथड है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से होम लोन डॉट जावा में भी ये जो वेब लॉगिन होम लोन है, ये हमारा स्मोक टेस्टिंग के लिए अगर हमें इसको डालना है, तो यहां भी हम इसको एक ग्रुप टैग यूज करके
ग्रुप्स इक्वल कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स में स्मोक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग का हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कैपिटल एस यूज किया है ना, यहाँ मैंने स्मॉल एस यूज कर दिया, तो हमें ऐसे नहीं करना, स्पेलिंग का हमें ध्यान देना है। कैपिटल एस एम ओ के ई टी एस टी, अब ये सही हो गया। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से हमें कार लोन डॉट जावा में भी, अगर हमें वेब लॉग इन कार लोन को स्मोक टेस्टिंग में डालना है, तो यहां भी हम सेम ग्रुप एट्रीब्यूट यूज करके इसको स्मोक टेस्टिंग के ग्रुप में डाल सकते हैं। अभी मैंने यहां से होम लोन से कॉपी कर लिया, मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो तीन टेस्ट मेथड्स हैं हमारे, पर्सनल लोन डॉट जावा, होम डॉट पर्सनल लोन डॉट जावा का जो हमारा वेब लॉग इन पर्सनल लोन, और होम लोन डॉट जावा में वेब लॉग इन होम लोन, एंड कार लोन डॉट जावा में वेब लॉग इन कार लोन, ये तीनों जो है हमारे स्मोक टेस्टिंग वाले टेस्ट मेथड्स हैं। अब जब भी हमें अपने एप्लीकेशन की सिर्फ स्मोक टेस्टिंग करना है, तो हमें सिर्फ इन्हीं टेस्ट ग्रुप्स को एग्जीक्यूट करना होगा, सारे के सारे हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास टोटल तीन क्लासेस हैं, अभी मान लीजिए टोटल तीन क्लासेस हैं। ठीक है, तीनों क्लासेस के तीन तीन मेथड, मतलब नाइन टेस्ट मेथड्स, तो स्मोक टेस्टिंग के लिए हमें टोटल नाइन टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ तीन ही टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट करने हैं। अभी कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे हमें सिर्फ स्मोक टेस्टिंग वाले टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट करने हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल। तो ऑलरेडी हमारे पास एक पहले के सेशन में टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको मैं अभी डिलीट कर देती हूँ और नई टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे सिर्फ इन तीन क्लासेस के टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इसको मैंने डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दिया। अब जो तीन क्लासेस हमने क्रिएट की है, होम लोन डॉट जावा, फिर पर्सनल लोन डॉट जावा एंड कार लोन डॉट जावा, इन तीनों को हम कर लेंगे सेलेक्ट, कार लोन डॉट जावा, होम लोन डॉट जावा एंड पर्सनल लोन डॉट जावा। सिर्फ इन तीन क्लासेस के टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करना है टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल के थ्रू। तो सिर्फ हमने इन तीन क्लासेस को कंट्रोल बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आप कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और जो जो क्लासेस आपको सिलेक्ट करनी है उसको आप माउस से सिलेक्ट करते जाएंगे। कंट्रोल बटन मैंने प्रेस किया, कार लोन डॉट जावा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर होम लोन डॉट जावा सिलेक्ट कर लिया, फिर पर्सनल लोन डॉट जावा सिलेक्ट कर लिया, तीनों सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन टेस्ट एनजी में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। अब ये देखिए तीन क्लासेस हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, बाकी सारी क्लासेस नहीं आई, डेमो पैकेज में और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन हमें आज के डेमो के लिए वो क्लासेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही तीन क्लासेस को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये तीन क्लासेस यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं, हमारा एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाएगा। ये देखिए ये एक्सएमएल फाइल जनरेट हो गया ना, इसमें हमारे पास सिर्फ तीन क्लासेस आई हैं। ठीक है, जो हमें अभी जरूरत थी आज के डेमो के लिए। अब इन तीन क्लासेस में टोटल हमारे पास नाइन टेस्ट केसेस हैं, हर क्लास में तीन तीन टेस्ट केसेस हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन तीन क्लासेस के सिर्फ स्मोक टेस्टिंग वाले टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ग्रुप टैग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्वीट टैग के नीचे एक ग्रुप टैग क्रिएट करेंगे ग्रुप्स के नाम से। ये देखिए क्रिएट हो गया ना ग्रुप्स। अब इस ग्रुप्स टैग के अंदर हमें जिस भी ग्रुप को इंक्लूड करना है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ग्रुप टैग के नीचे यहाँ पे पहले फिर एक रन टैग भी आएगा, ग्रुप के बाद यहाँ पे रन टैग, फिर रन टैग के अंदर इंक्लूड टैग। ठीक है, अब इंक्लूड टैग के अंदर यहाँ पे नेम के बाद, यहाँ पे नेम के बाद हमें स्मोक टेस्ट को ऐड करना है ना, तो यहाँ पे डबल कोट्स में स्मोक टेस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हम इस एक्सएमएल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो इन तीनों क्लासेस में जो भी स्मोक टेस्ट ग्रुप वाले टेस्ट मेथड्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब एक बार एक्सएमएल फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी सूट, और ये देखिए ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये टेस्ट एनजी सूट, ये हमारा सूट है, फिर ये टेस्ट टैग आ गया।
इसमें सबसे पहली क्लास है डेमो डॉट पर्सनल लोन, इसके अंदर हमारा वेब लॉग इन पर्सनल लोन एग्जीक्यूट हुआ। फिर दूसरी क्लास डेमो डॉट कार लोन, इसमें हमारा वेब लॉग इन कार लोन एग्जीक्यूट हुआ। फिर तीसरी क्लास डेमो डॉट होम लोन, इसमें भी हमारा वेब लॉग इन होम लोन एग्जीक्यूट हुआ है। सिर्फ तीन टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट हुए हैं तीनों क्लास के, और ये वो टेस्ट मेथड्स हैं जो हमारे स्मोक टेस्टिंग के लिए हमने टेस्ट ग्रुप में डाला है। ठीक है, वेब लॉग इन पर्सनल लोन, इसका भी जो ग्रुप है वो है स्मोक टेस्ट। होम लोन में भी सेम वही है, वेब लॉग इन होम लोन, इसको भी हमने स्मोक टेस्ट ग्रुप में डाला है। कार लोन में भी हमने वेब लॉग इन कार लोन को स्मोक टेस्ट ग्रुप में डाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, कैसे हम ग्रुप को एग्जीक्यूट करते हैं एक्सएमएल फाइल के थ्रू। ठीक है, इजी है ना, सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप को इंक्लूड किया है, वैसे ही हम ग्रुप को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसा करते हैं, हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं डेमो पैकेज में ही। राइट क्लिक किया मैंने डेमो पैकेज पे, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं ग्रुप डेमो, एंड फिनिश। यहाँ पे मेन मेथड हमें ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ हम टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड का नाम दे देते हैं void test1, test1, ये हमारा पहला टेस्ट मेथड हो गया। इसके ऊपर @test_annotation, ठीक है, साथ साथ हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेंगे org.testng.annotation। अब इसको कॉपी करके एक दो टेस्ट मेथड्स और क्रिएट कर लेते हैं। ये टेस्ट वन हो गया, ये टेस्ट टू हो गया। सब में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दिस इज टेस्ट वन। दिस इज टेस्ट टू। अच्छा, इनके साथ साथ यहाँ पे हम ग्रुप करने के लिए ग्रुप पैरामीटर भी ऐड कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, @test के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, एंड देन ग्रुप्स इक्वल साइन के बाद कर्ली ब्रेसेस में ग्रुप का नाम देना है हमें डबल कोट्स के अंदर एज ए स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा टेस्ट वन है वो है, दैट इज फॉर सैनिटी टेस्टिंग, वो सैनिटी टेस्टिंग के अंडर आएगा। तो यहां पे हम कर देते हैं सैनिटी। ठीक है, तो ऐसे हम बाकी में भी ऐड कर लेते हैं, टेस्ट टू में भी यहाँ पे हम ऐड, ये भी सैनिटी टेस्टिंग के अंदर हमने कर दिया। अब ऐसे ही और भी टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं, 5 टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा टेस्ट 3 हो गया, और प्रिंट स्टेटमेंट में भी टेस्ट 3, ये टेस्ट 4, प्रिंट स्टेटमेंट में भी टेस्ट 4, एंड देन टेस्ट 5। तो इस क्लास में, ग्रुप डेमो क्लास में हमने 5 टेस्ट मेथड्स अभी क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले टेस्ट मेथड को हमने कौन से ग्रुप में डाला है, सैनिटी में डाला है। दूसरे को भी हमने सैनिटी में डाला है। तीसरे को ऐसा करते हैं हम रिग्रेशन में डाल देते हैं। ठीक है, थर्ड टेस्ट मेथड है वो रिग्रेशन के लिए है। जो फोर्थ टेस्ट मेथड है वो सैनिटी और रिग्रेशन दोनों के लिए है। ठीक है, तो कैसे कैसे हम दो दो ग्रुप्स में कैसे ऐड करेंगे, तो बहुत ही इजी है। बस यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है और डबल कोट्स में ग्रुप का नाम डाल दीजिए। तो जो हमारा फोर्थ टेस्ट मेथड, जो हमारा फोर्थ टेस्ट मेथड है वो दो ग्रुप्स को, दो टेस्ट ग्रुप्स को बिलोंग करता है, एक सैनिटी और दूसरा रिग्रेशन। ठीक है, और जो फिफ्थ टेस्ट मेथड है वो सिर्फ सैनिटी के लिए है। या फिर ऐसा करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को सैनिटी के लिए रहने देते हैं, जो थर्ड है वो रिग्रेशन, फोर्थ है वो सैनिटी एंड रिग्रेशन, एंड जो फिफ्थ टेस्ट मेथड है उसको भी हम रिग्रेशन के लिए कर देते हैं। ठीक है, तो जो फिफ्थ टेस्ट मेथड है वो भी रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्सएमएल फाइल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करना है। तो चलते हैं एक्सएमएल फाइल में, और यहाँ पे ग्रुप टैग तो हमने क्रिएट किया था, ग्रुप टैग के अंदर रन टैग भी क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने
इंक्लूड किया है कौन से ग्रुप को, स्मोक टेस्टिंग को। तो ये हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी यहां पे हम क्या करेंगे, एक और टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये जो हमारा टेस्ट है इसको कॉपी करके एक टेस्ट और क्रिएट कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है ना, इसमें हमारे पास ये तीन क्लासेस हैं, पर्सनल लोन, कार लोन एंड होम लोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और टेस्ट क्रिएट कर लेंगे ग्रुप डेमो के लिए। तो कॉपी किया हुआ ही हमने, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे टेस्ट का नाम लिख देते हैं, टेस्ट ग्रुप डेमो, ठीक है। और यहाँ पे क्लास कौन सा चाहिए हमें, यहाँ पे हमारे पास एक ही क्लास है, डेमो डॉट ग्रुप डेमो। टेस्ट के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ग्रुप डेमो, ठीक है, ग्रुप डेमो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दो टेस्ट हो गए हैं, एक ये पहला वाला टेस्ट था, अब ये है हमारा दूसरा टेस्ट। दूसरे टेस्ट में जो हमने क्लास ऐड किया है वो है डेमो डॉट ग्रुप डेमो। ऐसे आप मल्टीपल टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है स्मोक टेस्ट को, लेकिन अब हमारा जो ग्रुप डेमो है इसमें हमारे पास सैनिटी एंड रिग्रेशन है। तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ सैनिटी टेस्टिंग वाले टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं सैनिटी। तो इसी को कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, इंक्लूड नेम इक्वल्स सैनिटी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या होगा। तो जितने भी ग्रुप्स होंगे स्मोक टेस्ट के और सैनिटी टेस्टिंग के, जितने भी टेस्ट मेथड्स जो स्मोक टेस्टिंग ग्रुप के अंदर आते होंगे और सैनिटी टेस्टिंग ग्रुप के अंदर आते होंगे, वो सारे टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे। और कौन कौन सी क्लास के होंगे, तो ये जो सारी क्लासेस हमारे जो टेस्ट में है, और जो दूसरी, जो दूसरा है वो जो टेस्ट ग्रुप डेमो में, ये जो दो हमने टेस्ट क्रिएट किए, इन दोनों क्लासेस इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड जी स्वीट, ये देखिए। तो जो हमारा ग्रुप डेमो क्लास है, जो हमारा ग्रुप डेमो क्लास है, इसमें दिस इज टेस्ट वन, टेस्ट टू एंड टेस्ट फोर, ये जो चार टेस्ट थे सैनिटी वाले वो एग्जीक्यूट हुए हैं, टेस्ट वन, टेस्ट टू एंड टेस्ट फोर, टेस्ट वन, टेस्ट टू एंड टेस्ट फोर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई ग्रुप एक्सक्लूड करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें स्मोक टेस्ट वाले ग्रुप्स नहीं चाहिए, तो आप इंक्लूड की जगह यहाँ पे क्या करोगे, एक्सक्लूड राइट कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, सॉरी, ई एक्स सी एल यू डी ई, पूरा टाइप ही कर दिया मैंने, एक्सक्लूड आपको यहाँ पे राइट कर देना है। यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया और यहाँ पे क्लोज भी हमें एक्सक्लूड से ही करना है। तो अब क्या होगा, जितने भी स्मोक टेस्ट वाले टेस्ट मेथड्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे अब, ठीक है। और जो सैनिटी वाले टेस्ट मेथड्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी जितने भी हमारे पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन में जो टेस्ट मेथड्स हैं स्मोक टेस्ट वाले, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। राइट क्लिक करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड जी स्वीट, ये देखिए। तो इस बार सिर्फ सैनिटी टेस्टिंग वाले टेस्ट मेथड्स यहाँ से एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर रिग्रेशन टेस्टिंग वाले टेस्ट मेथड्स भी एग्जीक्यूट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रुप डेमो है इसमें रिग्रेशन ग्रुप भी है ना, इसके भी टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, रिग्रेशन इसको भी इंक्लूड कर लिया हम, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड जी। अब देखिए यहाँ पे सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे टेस्ट मेथड्स हैं वो या तो रिग्रेशन को बिलोंग करते हैं या फिर सैनिटी को बिलोंग करते हैं, किसी न किसी एक को वो बिलोंग करते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही एग्जीक्यूट हो गए, करेक्ट, ठीक है। अब जिसको भी आपको नहीं एग्जीक्यूट करना, आप उसको यहां से आप एक्सक्लूड कर सकते हो, कुछ नहीं, आपको बस एक्सक्लूड टैग यहाँ पे यूज करना है, एक्सक्लूड टैग को ओपन करना है और उसको यहाँ पे क्लोज करना है, और यहाँ पे नेम में आपको जो भी ग्रुप को एक्सक्लूड करना है वो ग्रुप का आपको यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। ईजी है, सिंपल है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई टेस्ट मेथड ऐसा है जो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को कॉपी कर लिया, तो क्या होगा, टेस्ट सिक्स,
जो सिक्स टेस्ट मेथड है ये किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो अब क्या होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक्सएमएल फाइल के थ्रू, तो क्या होगा, राइट क्लिक रन एज टेस्ट इन यू सूट। तो क्या टेस्ट सिक्स रन होगा? नहीं हुआ ना रन। देखिए सिक्स टेस्ट मेथड रन नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ इंक्लूड किया है सैनिटी एंड रिग्रेशन। तो यहाँ पे सिर्फ सैनिटी और रिग्रेशन को ही, सैनिटी और रिग्रेशन वाले टेस्ट मेथड से एग्जीक्यूट हुए हैं। जो हमारा सिक्स टेस्ट मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये ग्रुप यहां से हम हटा दें, मैंने यहां से हटा दिया ग्रुप, ठीक है, मैं इसको यहां से अभी कट कर देती हूँ, मैंने ये ग्रुप टैग यहां से हटा दिया, फिर क्या होगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे एक्सएमएल फाइल को, तो क्या होगा, ये जो पहला टेस्ट है हमारा, इसके जो तीनों क्लास के टेस्ट मेथड्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, और जो दूसरा टेस्ट हमने क्रिएट किया है इसमें सिर्फ एक ही क्लास है ग्रुप डेवो, इसके सारे एग्जीक्यूट होंगे इंक्लूडिंग टेस्ट सिक्स, ठीक है। ये देखिए इसका आउटपुट, राइट क्लिक रन एज टेस्ट इन दिस वे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप टैग यूज नहीं किया है। ये देखिए सारे टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। ये देखिए जो टेस्ट है हमारा उसके जो तीन क्लासेस है, पर्सनल लोन के तीनों टेस्ट मेथड, कार लोन के तीनों टेस्ट मेथड, और होम लोन के भी तीनों टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुए हैं। फिर जो दूसरा टेस्ट है हमारा टेस्ट ग्रुप डेमो, उसमें जो ग्रुप डेमो क्लास है इसके टोटल सिक्स टेस्ट मेथड्स हैं। तो सारे छह जो टेस्ट मेथड्स हैं इरिस्पेक्टिव कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, सारे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने अब क्या किया है, हमने यहाँ पे हमने ये ग्रुप यहां से हटा दिया है, ठीक है। मैं वापस ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर देती, ठीक है। तो अगर आपको किसी ग्रुप स्पेसिफिक टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और साथ में आपको ये ग्रुप टैग भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ग्रुप स्पेसिफिक टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आप क्लास लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे तब भी आप ग्रुप के स्पेसिफिक टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रुप डेमो डॉट जावा ये क्लास है ना, और मैं इस क्लास से अगर एग्जीक्यूट करूं टेस्ट मेथड्स को, तो मैं ग्रुप स्पेसिफिक टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी, मैं ग्रुप्स को इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर पाऊंगी, पूरे के पूरे छह टेस्ट मेथड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये देखिए रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट, ये देखिए पूरे छह टेस्ट मेथड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। ग्रुप्स के बेसिस पे हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाएंगे क्लास लेवल पे, उसके लिए आपको एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और एक्सएमएल फाइल में आपको ऐसे ये ग्रुप टैग ऐड करना पड़ेगा। ग्रुप टैग के अंदर रन टैग के अंदर आप टेस्ट ग्रुप्स को एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा टेस्ट एनजी में ग्रुप्स क्या होता है, कैसे हम टेस्ट एनजी ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम टेस्ट एनजी ग्रुप्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं और कैसे एक्सक्लूड करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।